यानी पीएमएस और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी पीएएस ऑफिसर की शेड्यूल पोस्ट के बारे में बताऊंगा। शेड्यूल पोस्ट से मुराद वो पोस्ट्स या पोजीशन है जिनके अगेंस्ट पीएमएस और पीएएस ऑफिसर की पोस्टिंग हो सकती है फ्रॉम ग्रेड 17 टू ग्रेड 22। जब भी कोई पीएमएस या पीएएस ऑफिसर अपॉइंट होता है एदर थ्रू इनिशियल रिक्रूटमेंट आर बाई प्रोमोशन तो उनकी अपॉइंटमेंट होती है BA 17 यानी ग्रेड 17 में। जब ये ग्रेड 17 में अपॉइंट होते हैं तो फिर इनकी पोस्टिंग हो सकती है एज सेक्शन ऑफिसर इन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में 25-30 के करीब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हैं। हर डिपार्टमेंट को फिर मुख्तलिफ सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है तो हर सेक्शन को जो हेड करता है उसको हम सेक्शन ऑफिसर कहते हैं। इसके अलावा पीएमएस और पीएस ऑफिसर्स की पोस्टिंग हो सकती है एज असिस्टेंट कमिश्नर या एज एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर इन BA 17। मैं यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि हर जिले को मुख्तलिफ सब डिविजन या तहसीलों में डिवाइड किया जाता है तकसीम किया जाता है और फिर हर सब डिविजन या तहसील का जो हेड होता है वो होता है असिस्टेंट कमिश्नर। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर को सपोर्ट करता है असिस्ट करता है एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर और ये दोनों पोजीशन जो है ये ग्रेड 17 की है। इसके अलावा ग्रेड 17 में पीएमएस और पीएस ऑफिसर को पोस्ट किया जा सकता है इस सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी एंड पुलिस कंप्लेंट कमीशन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट ऑफिसर एंड सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को हम डिविजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी भी कह सकते हैं यानी हर डिवीजन में 2-3 या इससे ज्यादा अजला होते हैं तो जो डिविजनल या रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है वो उस डिवीजन के तमाम अजला में ट्रांसपोर्ट रिलेटेड मैटर्स को देखती है और इनका जो हेड होता है वो ग्रेड 17 का पीएमएस या पीएस ऑफिसर होता है। जब कोई पीएमएस या पीएस ऑफिसर ग्रेड 17 में मिनिमम 5 ईयर सर्व करता है फिर सब्जेक्ट टू सीनियोरिटी कम्पिटनेस उनको प्रोमोट किया जाता है इन BS 18 और जब उनको BS 18 में प्रोमोट किया जाता है तो फिर उनको पोस्ट किया जा सकता है ए सेटलमेंट ऑफिसर सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस कमीशन सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटर अफगान रेफ्यूजी डिप्टी सेक्रेटरी असिस्टेंट चीफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट डिप्टी डायरेक्टर स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जो डिप्टी सेक्रेटरीज होते हैं तो इनके मातहत 2-3 या 4 सेक्शन ऑफिसर्स काम करते हैं और सेक्शन ऑफिसर्स के बारे में मैंने ये आपको बताया कि हर डिपार्टमेंट के एक सेक्शन को हेड करता है सेक्शन ऑफिसर। जब पीएमएस या पीएस ऑफिसर ग्रेड 18 और 17 में मिलकर जब 12 ईयर सर्व करते हैं दोनों में मिलाकर यानी ग्रेड 17 और 18 दोनों में मिलाकर तो फिर वो एलिजिबल हो जाते हैं फॉर प्रोमोशन टू BS 19 और जब पीएमएस या पीएस ऑफिसर ग्रेड 19 में प्रमोट किए जाते हैं तो फिर इनको पोस्ट किया जा सकता है एज डिप्टी कमिश्नर एज एडिशनल सेक्रेटरी एज चीफ ऑफ सेक्शन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एज ईडीओ फाइनेंस एंड प्लानिंग एज मेंबर्स ऑफ द वेरियस बॉडीज प्रेजाइडिंग ऑफिसर रेवेन्यू एपिलेट कोर्ट डायरेक्टर जनरल डायरेक्टर एंड रजिस्ट्रार ऑफ वेरियस अथॉरिटीज एंड अटैच डिपार्टमेंट एंड एज डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड। मैं यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि डिप्टी कमिश्नर जिले का इंतजामी सरबराह होता है। इसके अलावा जो जमीनों के मामला है यानी लैंड रेवेन्यू के जो मैटर्स है वो भी हैंडल करता है डिप्टी कमिश्नर जिले की सतह पर। जबकि एडिशनल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में पोस्ट होते हैं जैसा कि हेल्थ एजुकेशन ट्रांसपोर्ट एनर्जी एंड पावर सोशल वेलफेयर वगैरह और हर एडिशनल सेक्रेटरी के मातहत 2 या 2 से ज्यादा डिप्टी सेक्रेटरीज हो सकते हैं और डिप्टी सेक्रेटरीज के नीचे फिर सेक्शन ऑफिसर। इसके अलावा चीफ ऑफ सेक्शन जो है ये प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में पोस्ट होते हैं और ये मुख्तलिफ जो सेक्शंस है या मुख्तलिफ जो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है तो उसमें प्लानिंग एंड डेवलपमेंट रिलेटेड के मैटर्स को वो देखते हैं। ये सेक्शन हेल्थ भी हो सकता है एजुकेशन भी हो सकता है सोशल वेलफेयर भी हो सकता है एट्सेट्रा। और जब पीएमएस या पीएस ऑफिसर ग्रेड 17 18 एंड 19 में मिलकर जब वो 17 ईयर सर्व करते हैं तो फिर ये एलिजिबल हो जाते हैं फॉर प्रोमोशन टू बीएस
20। मैं आपको बताता चलूं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 25-30 के दरमियान है, तो उनको हेड करते हैं सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी का जो पोस्ट है ये ग्रेड 20 का होता है। तो इन पोस्ट इन पोस्टों के अगेंस्ट पीएमएस या पीएस ऑफिसर पोस्ट होते हैं। इसके अलावा पीएमएस और पीएस ऑफिसर को ग्रेड 20 में पोस्ट किया जा सकता है एज मेंबर प्रोविंशियल एंड गवर्नर इंस्पेक्शन टीम, एज मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एज डायरेक्टर स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एज प्रेजाइडिंग ऑफिसर रेवेन्यू एपीलेट कोर्ट, एज मेंबर ऑफ द सर्विस ट्रिब्यूनल, एज मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन एंड एज डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर्स आर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वेरियस अटैच्ड डिपार्टमेंट और अथॉरिटीज। ठीक है, तो जब पीएमएस ऑफिसर ग्रेड 17, 18, 19 एंड 20 में मिनिमम 22 ईयर सर्व करते हैं तो फिर ये एलिजिबल हो जाते हैं फॉर प्रमोशन टू बीएस 21। बीएस 21 में हमारी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका चीफ जो है उसको हम चीफ सेक्रेटरी कहते हैं, तो चीफ सेक्रेटरी ग्रेड 21 की पोजीशन है और ये भी शेड्यूल ऑफ पोस्ट में शामिल है, और पीएमएस एंड पीएस ऑफिसर। इसके अलावा ग्रेड 21 में पीएमएस और पीएस ऑफिसर को इज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी पोस्ट किया जा सकता है। हमारे सूबे में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सिर्फ एक पोजीशन है, वो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इसके अलावा बाज़ अवकात मुख्तलिफ जो ऑफिसर्स होते हैं पीएमएस के या पीएस के, वो जब एलिजिबल हो जाते हैं फॉर प्रमोशन टू बीएस 21 और बीएस 21 में यानी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की जो पीएनडी डिपार्टमेंट में वो पोस्ट खाली ना हो, तो फिर उनके लिए होम फाइनेंस या लॉ डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी के पोस्ट है उनको अपग्रेड किया जाता है टू बीएस 21। इसके अलावा बीएस 21 में पीएमएस और पीएस ऑफिसर्स को पोस्ट किया जा सकता है एज सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, चेयरमैन सरहद डेवलपमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर सिटी डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्रेटरीज एंड चेयरमैन गवर्नर एंड प्रोविंशियल इंस्पेक्शन टीम। बीएस 17 से लेकर बीएस 22 तक की जितनी भी पोजीशन है तो ये पीएमएस और पीएस ऑफिसर्स की शेड्यूल पोस्ट है, लेकिन इन पर पीएस और पीएमएस ऑफिसर की पोस्टिंग होती है एक रेशियो से, एक प्रोपोर्शन से। ग्रेड 17 में पीएस ऑफिसर्स की पीएस ऑफिसर का जो शेयर है वो है 25%, जबकि पीएमएस ऑफिसर का शेयर है 75%। बीएस 18 में फिर पीएस का शेयर बढ़कर 40% हो जाता है और पीएमएस का शेयर कम होकर 60% रह जाता है, जबकि बीएस 19 में पीएस का शेयर बढ़कर 50% हो जाता है और पीएमएस का शेयर कम होकर 50% रह जाता है, जबकि बीएस 20 में फिर पीएस का शेयर बढ़कर 60% हो जाता है और पीएमएस ऑफिसर का शेयर कम होकर 40% रह जाता है, जबकि बीएस 21 में फिर पीएस का शेयर बढ़कर 75% हो जाता है और पीएमएस ऑफिसर का जो शेयर है वो कम होकर 25% हो जाता है। यानी जो लोअर ग्रेड से उसमें पीएमएस ऑफिसर का शेयर ज्यादा है, जबकि जो हायर ग्रेड है उसमें फिर पीएस ऑफिसर का शेयर ज्यादा है। अगर आप इस वीडियो को प्रेजेंटेशन के साथ देखना चाहते हैं तो इसको मैंने अपलोड किया है अपने यूट्यूब चैनल पर, आपकी स्क्रीन पर मेरे यूट्यूब चैनल का एड्रेस अपीयर हो रहा है, आप वहाँ पे जाकर इस वीडियो को प्रेजेंटेशन के साथ भी देख सकते हैं। तो उम्मीद है आप पीएमएस और पीएस ऑफिसर की शेड्यूल पोस्ट के बारे में समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।